छत्तीसगढ़ का घना जंगल। जंगल में मोर्चा संभालते जवान। अचानक गोलियों से गूंज उठता है पूरा का पूरा जंगल। चरण के चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को नेस्त नाबूद कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी छोटे बेठिया थाने के माड़ इलाके में नक्सली बड़ी संख्या में जमा है। सोमवार की रात जवानों की स्पेशल टीम को नक्सलियों पर एक्शन के लिए रवाना किया गया। मंगलवार तड़के 200 से ज्यादा जवानों ने जंगल घेर लिया और फिर शुरू हुआ नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। ये टीवी स्क्रीन पर हथियारों का जखीरा जो आप देख रहे हैं, ये हथियार उन्हीं नक्सलियों के पास से मिले हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मंगलवार को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला मौका जब एक साथ 29 नक्सली सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने। 29 नक्सलों को एट ए टाइम एक ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज करके, वो भी डिविजनल कमांडर लेवल के, ये पुलिस की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी हमारा टारगेट है कि जो नक्सल इंजर्ड है उनके ऊपर भी हम लीड ऑपरेशन करें। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 150 जवानों के साथ बीएसएफ के 40 कमांडोज और बस्तर फाइटर के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए। डीआरजी की टीम को नक्सलियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का माहिर माना जाता है। इस ऑपरेशन में 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव मारा गया। महिला नक्सली डिप्टी कमांडर ललिता को भी सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई में मार गिराया। शंकर राव छत्तीसगढ़ के बस्तर कांकेर इलाके में दहशत का दूसरा नाम था। ये उसकी बहुत पुरानी तस्वीर है क्योंकि नई तस्वीर सुरक्षा बलों के पास भी नहीं। शंकर राव मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला था और नक्सलियों के कांकेर ग्रुप का हेड था। क्योंकि कल जैसे मुठभेड़ के पश्चात AK-47 SLR इंसास 303 कार्बाइन 9mm पिस्टल इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे। आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLG फॉर्मेशंस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लग रहा है। उसका आइडेंटिफिकेशन, वेपन्स का भी आइडेंटिफिकेशन एक आध दिन में हो जाएगा। और जैसा जिस तरीके से जो सामग्री मिला, आर्म्स एमुनिशन मिला और उनकी जो अन्य जो मॉइस्ट हाइडआउट से जो सामान बरामद हुआ, इन सबसे प्रेरित हो रहा काफी बड़ी संख्या में सीनियर माओवादी कैडर का भी है। जैसा 2 DVC का तो एस्टेब्लिश हो गई और अन्य जो माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती जल्दी एस्टेब्लिश होने का हमको संपूर्ण एक जानकारी मिल सकता है। नक्सलियों के पास 30 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए जिसमें AK-47 से लेकर इंसास राइफल शामिल है। मारे गए नक्सलियों में 14 महिला नक्सली भी हैं। DRG कांकेर में BSF के एक सहयुक्त अभियान थे और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक DVC शंकर, दूसरा DVC ललिता का भी पता चल रहा है। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय वर्मा ने जाबाज अफसरों से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें बधाई दी। आपके जवानों के भुजाओं की ताकत से सब संभव हो सका है। कालमेटला मुझे याद आया, कल इसी अप्रैल का महीना था 2010 का, 76 जवान शहीद हुए थे उसमें, वो दिन याद आ गया। बधाइयां, हृदय से बधाइयां आपको, हृदय से बधाइयां। मैं जिंदगी भर खड़े रहूंगा आपके लिए, कोई भी विषय हो मेरे लायक जरूर बताएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जाबाज जवानों की इस कार्रवाई पर उन्हें बधाई दी और कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ है। सुरक्षा बलों को कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ
एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं उनके कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की नीति रही, उसी का ये नतीजा है। हमारे शासनकाल में एक भी प्रभात नहीं, बड़े हथियार ही जब्त किए और बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए या मारे गए, तो हम लोगों ने भर्ती काउंटर नहीं, हमारे शासनकाल में कोई भर्ती काउंटर नहीं। चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, एक तरह से देखें तो इस ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है।